bien? अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका दोस्त, मैं हूं आपका यार ससुमार, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो गाइस आज का व्लॉग थोड़ा खास होने वाला है क्योंकि आज मैं जाने वाला हूं एक ज़ू, मुंबई में एक रानीबाग नाम का ज़ू है, तो वहां मैं आज जाने वाला हूं। वहां पे कौन से जानवर है, क्या जानवर है मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, बट क्योंकि मुझे भी जाए कुछ 5-6 साल हो गए, मैं 5-6 साल बाद जा रहा हूँ, तो वहाँ चलते और देखते। वीडियो को एंड तक देखना, मज़ा आएंगी क्योंकि वहाँ पर शायद टाइगर, लायन, एलिफेंट और बियर भी है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर जाना, आपका भाई का चैनल है, और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा। तो चलो मिलते हैं ज़ू में। सो गाइस आज सोचा है कि चलो बस में ट्रैवल करें, और मेरे साथ है मुस्तू भाई, तो मुस्तू भाई के साथ हम अब जाने वाले हैं बस में, तो मिलते हैं आपको बाद में। तो गाइस अभी हम जाने वाले हैं रानीबाग, जो कि हमारे हमें सामने ही है, तो अंदर की टिकट्स विकेट से आपको सब बताता हूँ मैं डिटेल, तो दिखा तो आपको रानीबाग। ये है रानीबाग, तो चलो चलते हैं अंदर और देखते हैं। मेन गेट पे एंट्री लेता हूँ और आपको डिटेल्स देता हूँ। अभी मेन गेट पे हमने एंट्री नहीं लिया है, तो चलो चलते हैं। क्या बोलते हैं मुस्तू भाई? हाँ बस बढ़िया है सब। कैसे हो, मजे में सब? हाँ मजे में। तो आज सोचा मुस्तू भाई के साथ हम आ जाऊँ। हाँ थोड़ा बिजी चल रहा था, लेकिन बिजी शेड्यूल में निकाल के हमारे मुस्तफ़ा भाई हमारे ब्लॉग के लिए आए, तो थैंक यू सो मच मुस्तफ़ा भाई आपका टाइम देने के लिए। तो चलो चलते हैं अंदर। आप भी थोड़ा मेरे भाई को सपोर्ट करो, सपोर्ट करो गाइस, लाइक कर दो अगर यहाँ तक देख लिए तो। पूरा आतंक मचा दो भाई, लोग आतंक मचा दो, फैला दो। सो गाइस अभी हम टिकट्स लेने आ गए, अभी आपको टिकट का पूरा भाव भाव सब बताता हूँ मैं, क्या है क्या नहीं। तो फाइनली गाइस हमने टिकट्स निकाल दिया। एक टिकट एक एडल्ट की 50 रुपीज़ है, और अगर फैमिली आएंगे तो 200 रुपया है, जिसमें एक हस्बैंड, एक वाइफ और 2 चिल्ड्रन अलाउ है। तो अभी और बच्चों, जो बच्चे लोग हैं 12 साल तक, उनको 25 रुपीज़ की टिकट, उनको 25 रुपीज़ की टिकट है। तो अभी हम आपको टिकट दिखाते हैं। तो ये टिकट मेरी और मुस्तफ़ा भाई की, 2 जन की 100 रुपये हुआ। तो अभी चलो चलते हैं अंदर। मेन एंट्री आती
द मुंबई ज़ू वेलकम्स यू। तो भाई सब अंदर आ चुके हैं, ये है यहाँ का मैप, अब यहाँ पे पूरा घूमेंगे और देखते हैं कौन से एनिमल्स अभी हैं फिलहाल। तो सुबह कहाँ जावे? एलिफेंट देखते चलो। तो भाई जो पहला एनिमल देखे वो है एलिफेंट, जो कि बहुत दूर खड़ा है, आप देख सकते हैं ये रहा। और यहाँ एक ही एलिफेंट है फिलहाल, चार थे जबकि अभी बचे हैं सिर्फ एक ही। तो गाइस कोरोना के बाद बहुत सारे एनिमल्स यहाँ से मतलब चले गए, मीन्स कुछ ही रह गए फिलहाल, जैसे कि टाइगर, एलिफेंट और नहीं पता आगे कुछ और मतलब है कि नहीं जानवर, देखते चलो। अभी बहुत बड़ा है, अभी फ़िलहाल तो हम यहाँ पे घूम रहे हैं और अगर और कुछ एनिमल्स दिखे तो आपको दिखाते अभी। तो गाइस ये रहा बियर। हेलो ब्रो, ओ माय गॉड, यू कैन सी दिस। स्माइल दे रहा है ना, देखना। अभी हाइना और लेपर्ड देखते हैं, अभी यहाँ पे हाइना लेपर्ड है कि नहीं, हुआ तो हमारी नसीब वरना मुश्किल है। अबे लेट्स सी। गाइस लक अच्छी है, लेपर्ड तो है आप देख सकते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा दूर है हमारे यहाँ से, सी वो बहुत ज़्यादा ही दूर है, अगर पास आ जाए तो मज़ा ही आ जाए, पर वो बहुत ज़्यादा दूर है, यू कांट सी हिम प्रॉपरली, पर देखते हैं हम थोड़ी देर रुकते हैं, अगर वो पास आए तो हम आपको वो भी दिखाएंगे। Oh my god, you can see these guys clearly. और ये गाइस है हाइना, हाइना भी अंदर है बट वो किधर छुप के बैठा है पता नहीं, हमने गार्ड से पूछा वो बोले है अंदर ही बट पता नहीं किधर है वो फिलहाल। मुस्तफा भाई दिखा क्या? शायद वो केज वेज में किधर अंदर छुप के बैठा है। सो गाइस अंदर आने से पहले हमारे साथ टिकट काउंटर पे एक शॉट हो गया, तो वो मुस्तफा भाई बताएंगे, तो मुस्तफा बताओ क्या हुआ। हाँ गाइस जब भी आप यहाँ पे आओ यहाँ पे रानी बाग में, तो गाइस कैश ही प्रीफर करो क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन का एक्सेप्ट नहीं करते। हम लोग सोचे कि ऑनलाइन होगा, हम लोग ने कैश ज़्यादा लेके आए नहीं थे और हम लोग ने अगर जो भी कैश निकला तो 50-50 हो रहा था, बट हमारे पास हुआ टोटल 90। तो एक अंकल हमारे लाइन में पीछे ही खड़े थे, उन्होंने हमें देखा कि हम 10 रुपीज़ सबसे पूछ रहे बट कोई दे रहा नहीं है, तो उन्होंने हमारी हेल्प की और हमें 10 रुपीज़ दिए। तो हाँ यही है इंडिया, हेल्प मतलब कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कोई ना कोई कर ही देता है, तो ये बहुत अच्छा लगा है ना मुस्तफा भाई। हाँ ये इंडिया की यही अच्छी खासियत है क्योंकि अभी हम लोग को भी मालूम नहीं था, हम लोग भी बहुत टाइम के बाद, मैं तो कुछ 5-6 साल बाद यहाँ पे आया हूँ। और तू कब आया लास्ट? मैं भी बहुत टाइम के बाद आया, उसको भी बहुत टाइम होगा, तो हमें पता ही नहीं कि यार कैशलेस लेते हैं कि नहीं लेते। हाँ क्योंकि हम लोग जब आए थे ना, जब मेरे को याद है हम लोग जब प्राइस 25 रुपीज़ था, 25 था और अभी 50 हो चुका है, आप समझ सकते हैं कितना टाइम हो गया हम लोग को। हाँ तो यही आपको बताना, एक मैसेज देना था कि हाँ कहीं ना कहीं से कोई ना कोई हेल्प कर देता है जो कि अच्छा लगता है देख के, अगर वो 10 रुपया नहीं मिला तो हम अंदर भी नहीं आ सकते, तो थैंक यू वो अंकल ने जो हमारी हेल्प करी। तो गाइस यहाँ पे हो सकता है टाइगर, तो देखते हैं क्या है।
पागल सुगा। इसमें यहाँ जू पे आया था, पर जू पे मैं एक चीज़ मुझे दिखी जो मैं कंफ्यूज हूँ कि ये जू में कर क्या रहा है, यहाँ पे भीम क्या कर रहा है। हाँ मुस्तफ़ा भाई, यहाँ भीम क्या कर रहा है? भीम भी अपनी जगह बना रहा है, और भीम तो है, और भीम के साथ उसकी एक बेस्ट फ्रेंड भी है, वो भी आपको दिखाते हैं। उसकी बेस्ट फ्रेंड चुटकी। ये जू में भीम और चुटकी क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, आप बताओ। आपको मालूम होगा तो आप बताइए क्या कर रहे हैं जू में। हिप्पोपोटामस 1 2 3 हिप्पोपोटामस है यहाँ पे जो के अंदर है। भाई साहब आराम फरमा रहे। ओ माय गॉड गाइस, सी ओ माय गॉड, यू कैन सी गाइस हिप्पोपोटामस लाइव। डैम इट्स टू ह्यूज गाइस। Oh my God! Guys, ये है deer. They are so beautiful, guys. But live देखने का नज़ारा कुछ अलग ही होता है। और डियर के बच्चे भी है, देख लेना। तो गाइस अभी आपको हम आपको पेंगुइन दिखाते हैं, यहाँ पे पेंगुइन भी है, तो नसीब से हमें पेंगुइन दिखा, चलो आपको दिखा। तो होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। बहुत ज़्यादा मेहनत लगी हुई ये, क्योंकि ये जो जू है बहुत बड़ा है। यहाँ वहाँ घूमने में आप हमारी हालत देख सकते हैं, मैं उसकी भी हालत दिखाता हूँ मेरे मुस्तफ़ा भाई की जो अभी कैमरामैन बने। तो बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा जू है और बहुत सारे एनिमल्स अभी भी है जो हम लोगों ने नहीं देखे। फिलहाल अगर नेक्स्ट टाइम हो तो आपको दिखाऊँगा, बट अब ये मेहनत के लिए प्लीज़ आप लाइक कर देना, और अगर पसंद आएगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और नवा चैनल है आपके भाई को सपोर्ट करो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो गाइस ये हमारे मुस्तफ़ा भाई, आप मुस्तफ़ा भाई की भी हालत देख सकते हैं। हम थक गए गाइस, बहुत ज़्यादा थक गए, क्योंकि ये जू बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा है। बहुत भूल भूल भुलैया गए, और भूल भुलैया घूम फिर के एक ही जगह से आ रहे थे। चार पाँच जगह एक ही जगह घूमे हम, हमें असल में पेंगुइन देखना था, और पेंगुइन देखने के चक्कर में इधर उधर फंस गए। और शॉट ऊपर से ये हुआ कि अंदर पेंगुइन के अंदर अलाउ नहीं करे लोग वीडियो कैमरा लेने, बट मैंने कैसे भी छुप छुप के थोड़ी बहुत आपके लिए वीडियो ले लिया। तो उस मेहनत के लिए लाइक ज़रूर कर देना। बहुत मुश्किल से पेंगुइन की पिक हम लोगों ने थोड़ी सी वीडियो निकाले, सो का अलाउ तो कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, करके थोड़ा मगजमारी करके पूरा करके दिखाए। उसमें भी मनाया करा था, वो बोलता कि 500 रुपया फाइन है कि अगर आप अगर वीडियो निकालेंगे तो। ये मेहनत के लिए बोल दो मुस्तफ़ा भाई, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करो, मेरे भाई को लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो, और दुआ में याद रखो, और दुआ में याद रखो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में और ऐसे ही अच्छे कंटेंट के साथ इंशाल्लाह, और बहुत जल्दी मिलेंगे, अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ मिलेंगे। तो ठीक है, अल्लाह हाफिज़।